Hi everyone, this is Brian Ray, and I have a really exciting announcement to make. When life gives you lemons, you better make a good backdrop. Visit my wonderful friend, Mr. Shahib Kahan, as well as putting on a wonderful live performance for everyone. So I look forward to seeing all of your beautiful faces very, very soon. दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपने पसंदीदा सितारों जैसा दिखने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। कभी कभार तो ऐसे ट्रीटमेंट सफल हो जाते हैं, जबकि कई बार फेल भी हो जाते हैं और ऐसे में सारा मामला बिगड़ जाता है। फिलहाल इसी से जुड़ा एक मामला काफी चर्चा में है, जिसने लोगों को भी हैरान कर दिया है। दरअसल एक शख्स ने ब्रिटनी स्पीयर्स जैसा दिखने के लिए सर्जरी पर 1 करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च कर दिए। शख्स का नाम ब्रायन रे है। ब्रिटनी स्पीयर्स के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, वह अमेरिका की एक मशहूर सिंगर है जिनके दुनिया भर में फैंस मौजूद है और ब्रायन भी उन्हीं में से एक है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के रहने वाले ब्रायन के सिर पर ब्रिटनी स्पीयर्स जैसा दिखने की एक ऐसी सनक सवार है कि वो अब तक 100 से भी अधिक सर्जरी करा चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने न सिर्फ अपने नाक, कान, बल्कि गाल, बाल और आंखों की भी सर्जरी करवाई है। ब्रायन ने अपने बाल लेजर से हटवाए हैं और अपनी पलकें भी ऊपर उठवा ली है ताकि उनकी आंखें ब्रिटनी की तरह बड़ी बड़ी और खूबसूरत दिखे। इसके अलावा उन्होंने अपने गालों में इंजेक्शन भी लगवाया है। ब्रायन का कहना है कि वो तब तक सर्जरी करवाते रहेंगे जब तक उनका लुक हूबहू ब्रिटनी स्पीयर्स जैसा नहीं हो जाता। वो कहते हैं कि ब्रिटनी उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद है, वो उनसे प्रेरणा लेते हैं और खुद भी उनकी ही तरह दिखना भी चाहते हैं। यही वजह है कि वो सर्जरी पर सर्जरी करवाए जा रहे हैं। वह दावा करते हैं कि उनका लुक ब्रिटनी स्पीयर्स से 99.9% तक मैच कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्जरी करवाने की उनकी ये सनक युवावस्था से ही बरकरार है। 35 साल के ब्रायन ने 17 साल की उम्र में पहली बार सर्जरी करवाई थी और इसमें उनकी मां ने भी उनका भरपूर साथ दिया था। तब इस सर्जरी पर 22,000 पाउंड यानी 22 लाख रुपए से भी अधिक खर्च हुए थे। Hi everyone, this is Brian Ray and I have a really exciting announcement to make. When life gives you lemons, you better make a good backdrop. Visit my wonderful friend Mr. Shahib Kahan as well as putting on a wonderful live performance for everyone. So I look forward to seeing all of your beautiful faces very, very soon.